हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है, एक बार नहीं बार बार स्वागत है। अच्छा चलो, अब मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो तो आप चौंक जाएंगे, पता है क्या, स्टोरी के साथ साथ मैं कुछ और भी लेकर आई हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को, मतलब मेरी वीडियो को, मेरी स्टोरी पूरी देखा करिए आप, ताकि जो वीडियो ना वो खराब ना हो। थोड़ा सा क्लिक करके मत छोड़ा करिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ कि अभी सर्दी के टाइम में बहुत स्किन डल हो रही है, उसके बारे में मैं आपको इतना अच्छा एक टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएगी और मेरे भी साथ में काम आएगी। जिनके पास पैसे नहीं उनको तो जबरदस्त काम आएगी। तो वो टिप्स जो है वो ये है कि एक आलू ले, आलू को इस तरह कस के कद्दूकस से कस लीजिए और उसका रस जो निकलेगा उसको निचोड़ के एक चम्मच, और नींबू को काटिए, और नींबू को काटने के बाद आप उसका भी एक चम्मच रस निकालिए और दोनों को फेस्ट मिला दीजिए, दोनों का कर दीजिए। इसके बाद एक दो मिनट तक उसको ऐसे मिलाइए, और मिलाने के बाद आप लगा सकते हैं, पूरा एक घंटा लगाना है, दो तीन मिनट का मसाज कर सकते हैं। इसके बाद एक घंटे बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। सो फिर देखिए, और यही काम आपको लगातार करना है महीने दो महीने, जब तक बिल्कुल दाग सही नहीं हो जाए, फिर आप लगातार करते ही रहेंगे, क्योंकि चेहरे का बहुत अच्छा ब्राइटनेस बढ़ता है इससे। सो ये मेरी टिप्स थी, आपको कैसी लगी इसको फॉलो करके ज़रूर बताना। मैंने तो किया है, मुझे बहुत आराम भी मिला है। 26 साल मतलब निकाल दिए, इन 26 साल में पहली बार स्टैंड लिया अपने लिए कुछ है। तो वो था कि मेरे घर पे मैं काम की तलाश कर ही रही थी। 2018 पे मैंने बच्चों को अपने घर पे रख के, ससुराल से ही, लोग नहीं चाहते थे घर के, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर कोर्स किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है जिससे मेरे बच्चों का पेट चल सके, अगर बच्चे हैं तो। 2018 पे मैंने जब नवम्बर के महीने में इस कोर्स को ख़त्म किया, फरवरी में इसका पेपर दिया, 19 फरवरी को पेपर दिया था मैंने। और इसके बाद पेपर देने के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पहले ही हुए थे। अगर लास्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, तो लास्ट डे की बात बताऊँ तो 29 दिसंबर 2018 पे इतनी भयानक लड़ाई हुई थी घर पे कि बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया मुझे। मेरे इस आगे साइड के सारे ऐसे बाल खींच लिए थे, ये साले गायब थे, और ये इस जगह सब ये फट गया था, ये इस तरह से लाइन से फटा हुआ था। एंड बहुत ऐसी लाइक जगह हैं हाथ पे, अभी भी निशान है जो ये इस तरह का निशान बना हुआ है। अगर आपको दिखता हो, जूम पे देखो, कुछ दिख रहा होगा, इस तरह का निशान है जो काटा हुआ है। अभी भी दांत, तीन ठो दांत बने हैं। एंड यहाँ सब जगह स्किन पे बहुत ही जैसे नोचा हुआ था, बहुत बुरा हाल किया था। मजबूरी होती है लोग के, आप सोचते हुए कि इतना कुछ बता रही है तो रह क्यों रही है, कहाँ जाएगा इंसान। ये दुनिया ऐसी भी तो नहीं है कि वो कहीं जा सके। हम एक व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए भागते हैं, दूसरा हमारे साथ उससे भी ज्यादा गलत करता है। भागना कोई रास्ता नहीं था मुझे लगता है, इसलिए मेरे पास, मैंने भागने को कभी नहीं सोचा। एंड मैंने, शायद मैं गलत होंगी, लेकिन मैंने यही सोचा कि जो ऐसे लोग होते हैं उन लोगों को अगर हम घुट के रहेंगे तो वो भी चैन से रह नहीं पाएंगे ना कहीं तो उन्हें दर्द होगा ही उस चीज का, भले ही ये सोचकर दर्द हो कि ये बहुत कमीनी है, रोज मचाई रहती, लेकिन होगा। और हमें उनके मारने पीटने का दर्द होगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ इनको छोड़ के भागना सही नहीं है, इन्हें छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए। मैं उन हर गर्ल्स एंड वुमन से
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी फीमेल हैं या पुरुष हैं, लड़कियां भी बहुत सही नहीं होती हैं। फिर से मैं इसके बारे में दोहरा देती हूँ आपको, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, लोगों को बुराइयों को सहना चाहिए। बुराई हद से ज्यादा परछाई तो वो बुराई नहीं, वो नीचता है। छोटी छोटी चीजों पे कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और छोटी छोटी चीजों में कई बार लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है, उसका इशू नहीं बनाना चाहिए। होता है एक जगह के रहने पे, होता रहता है। लाइक जिंदगी में एक पर्सन को तो सहना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों अगर एक जैसे हो जाएंगे तो नहीं चल सकता। कोई बहुत दुष्ट होता है तो कोई बहुत सीधा साधा होता है, कोई बहुत होशियार होता है, कोई बहुत समझदार होता है, और कोई बहुत पागल होता है ना। हर तरह के पहलू पे लोग रहते हैं और उन लोगों को निभाना होता है। अगर मान लो कम दिमाग का मिला, हम होशियार हैं, तो हमें अगर हमने उसको उसके साथ जिंदगी काट ली कैसे भी, तो हमें थोड़ा बच्चों का जो है रिस्पेक्ट मिल जाएगी, दोस्तों की रिस्पेक्ट मिल जाएगी, एंड और अदर लोगों की रिस्पेक्ट मिल जाती है। जब उसी तरफ आप किसी के रिस्पेक्ट के काबिल नहीं बचते, तब जब आप छोटी छोटी चीजों से भागने लगते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं, बट ऐसी कोई मुश्किल घड़ी नहीं है जो आप नहीं काट सकते।